नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, हमने अपने इससे पहले के पेपर में हमने यू टेट 2018, ठीक है, यू टेट 2018 के पेपर को हमने डिस्कस किया था। इसके इसका जो पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, यानी कि 6 to 8 वाला जो पेपर है प्राइमरी लेवल का, तो उस पर हमने डिस्कस किया था। उसके CDP वाले पार्ट पर यानी कि 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। दोस्तों, अब हम जो है इस पर पर्यावरण उसी पेपर का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन वाला पेपर, जिसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको नंबर खींचने हैं तो आप पर्यावरण से जो है अपने मार्क्स जो है बढ़ा सकते हैं अच्छे खासे। अगर आपकी पर्यावरण पे अच्छी पकड़ है तो आप ये कर सकते हैं। तो इससे ये कैसे बनेगा, आप जो है पर्यावरण के क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास कीजिए, MCQs डिस्कस कीजिए, तो आप जो है अच्छा उसमें परफॉर्मेंस कर दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो है क्या प्रश्न आए हुए थे। 121 से इसमें प्रश्न है। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है 121 नंबर का प्रश्न है, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश अपशिष्ट किससे उत्पादित होता है दोस्तों, थर्मल पावर परियोजना से, ठीक है। थर्मल पावर परियोजना से फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, ठीक है। फ्लाई ऐश अपशिष्ट जो है थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित होता है, ठीक है, यानी कि जनरेट होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहां पर स्थित है, ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें अगला प्रश्न है, क्या पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्न में से किसी एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरण अध्ययन अगर पढ़ाना है तो इसकी आवश्यकता तो होगी ही होगी। दूसरा, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पनता सिद्धांतों को कंठस्थ कराना। देखिए यहाँ पर कंठस्थ कराना, तो किसी भी एजुकेशन आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंठस्थ कराना, याद कराना या रटना, ये चीज़ें जो है नहीं, इस पर जोर नहीं दिया जाता, तो ऐसे ऑप्शन आते तो ये पहले ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये गलत हो गया। बाकी कौन सा ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, तो आप देखिए बी वाले की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अन्य के हैं, इस पर पर्यावरण को जानने के लिए अवसरों को प्रदान करना है या अवलोकन परिमाप भविष्यवाणी करना और वर्गीकरण जैसी परिवणता को विकसित करना है, ये जो है यहां पर आवश्यक होते हैं। बाकी हमको आवश्यक नहीं है ढूंढना था, तो ऑप्शन बी यहां पर ये देखेंगे आप, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों और सिद्धांतों को कंठस्थ कराना, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखेंगे 124 नंबर का प्रश्न, देखिए आप, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जो है कौन सा कथन असत्य है, पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण और स्वपोषण पर आधारित है, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि हमको असत्य ढूंढना था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है जो असत्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। तो पर्यावरण शिक्षा के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, यूनेप है, ठीक है। यूनेप जो है पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आप जो है यहाँ पर इसकी ये फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, यूनेप के बारे में, ठीक है, ये जो है आप डिस्कस डिटेल में देख सकते हैं। अगर मैं पूरा डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसलिए हम जो है कोशिश करते कम से कम हो, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद अगला है दोस्तों, देखिए, प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है। तो दोस्तों, जो है सबसे जहरीला पदार्थ इसमें डाइऑक्सिन होगा, ठीक है, डाइऑक्सिन इसमें सबसे जहरीला पदार्थ होगा, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 1983 में कर्नाटक में चिप्को आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये ओपिको आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, एपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में 1983 में शुरू हुआ, जो चिप्को आंदोलन की तर्ज पर ही पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया, यानी कि शुरू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है मानव एवं शेष जगत का अंतर संबंध समझना जो है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बाकी पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, ये भी पर्यावरण का उद्देश्य है। पर्यावरण की सही समझ विकसित करना भी पर्यावरण का की स्टडी का उद्देश्य है, और पर्यावरण के घटकों को समझना, ये भी जो है आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये तीनों उद्देश्य हैं, तो लास्ट में एक ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन बी, ये यहाँ पर गलत होगा।
उसके बाद शैवाल क्या है दोस्तों, शैवाल क्या होते हैं ये हमको बताना है। शैवाल जो होते हैं उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं शैवाल, ठीक है। शैवाल क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बादल का आकार निर्भर करता है, तो वाष्पीकरण चक्र पर जो है बादल का आकार निर्भर करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं बादल जो है वाष्पिक जल वाष्प जो पृथ्वी पर से जो वाष्प जो ऊपर उठती है वही इकट्ठा होकर बादलों का रूप लेते हैं, तो ये बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है, वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि इवेपोरेशन साइकिल पर ये चीज़ जो है डिपेंड करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रदूषण प्रदूषक जो है प्रदूषण को के सूचक के रूप में जो है लाइकेन को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला अगला प्रश्न है, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है। तो दोस्तों जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है, माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, ठीक है, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133, देखिए, निम्न में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है, ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर, कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना और उसके बुद्धिशीलता संबंधी कार्य जो है, इसको ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के संपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है, पर्यावरण अध्ययन के संपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में से एक है दोस्तों, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना, ठीक है। अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। दोस्तों प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जाकर ही विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन को सबसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है, पर्यावरण अध्ययन से क्या पता चलता है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, तो पर्यावरण अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि पर्यावरण संरक्षण जो है सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू क्या हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू क्या है दोस्तों, अनुभूति व्यवहार और व्यवहार, ठीक है, कॉग्निशन इफेक्ट अफेक्ट एंड बिहेवियर, ये जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पहलू माने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह अवसर कहलाता है। तो यह अवसर जो है क्या कहलाता है दोस्तों, वन महोत्सव कहलाता है, ठीक है। हमारे द्वारा वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण कम करने की मदद करते हैं वृक्ष, और प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, यह जो है वन महोत्सव कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच जो है 5.6 से कम होता है, ठीक है। एसिड जिसको एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन का पीएच होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है। आप जानते हैं 7, जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, 7 से अधिक होने पर बेसिक और 7 से कम होने पर इसे एसिटिक माना जाता है, ठीक है। तो 5.6 से कम अगर अम्लीय वर्षा होती वर्षा का पीएच होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये बहुत हानिकारक होती है, आप जानते हैं, पर जो है डिटेल में आप हम कभी फिर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी आप जानते हैं ये डॉल्फिन्स को माना जाता है, ठीक है, डॉल्फिन्स होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है मनाया जाता है 22 मई को, ये तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए दोस्तों मोनाल जो है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ठीक है। मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का, यहीं पर दूसरी चीज निकल के आती है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी मोनाल ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अकशेरुकी समूह में अधिकतम संकटग्रस्त प्राणियों की प्रजाति है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए।
इस प्रश्न में थोड़ी सी मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नज़र आती है। अगर आप कोई प्रश्न अगर सही तरीके से पता है तो प्लीज़ इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं, वहाँ पर भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गिन को जाना जाता है। दोस्तों गिन को किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो गिन को जाना जाता है जीवाश्म के लिए, ठीक है, जीवित जीवाश्म के लिए गिन को जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेत मानता था, ठीक है। तो दीमक के ढेर को भूजल का संकेत जो है बारह मिहिर मानता था, ठीक है, बारह मिहिर मानता था, ऑप्शन सी यहाँ पर से। प्राचीन भारतीय विद्वान में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता था, तो ये बारह मिहिर था। उसके बाद अगला प्रश्न है, काले हिरण यानी कि कृष्णसार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह की परंपरा है, तो दोस्तों बिश्नोई समाज इसका सही आंसर है, ठीक है। तो काले हिरण के संरक्षण में जो है किस धार्मिक समूह सेक्ट की परंपरा है, तो दोस्तों ये बिश्नोई समाज की परंपरा है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147, देखिए जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी का वृहत स्तर पर दोहन किया है, तो दोस्तों ये चीरू का, देखिए चीरू प्राणी है, जो चीरू का जो है जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने जो है इसका बहुत बड़े स्तर पर दोहन किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, चीरू। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, देखिए 148, कौन सा पादप अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले पादपों में अधिकतम है, ठीक है। तो दोस्तों ये लाइकेन्स, ठीक है, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पादपों में सबसे अधिक जो है लाइकेन्स है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति है, तो दोस्तों भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति क्या है, लॉयड टेल्ड मकाक, ठीक है, लॉयड टेल्ड मकाक जो है भारतवर्ष की स्थानिक प्रजाति है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है, तो दोस्तों ये किस में जाती है, मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, ठीक है। तो डॉप्सन यूनिट में इसको मापा जाता है, इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए यहाँ पर 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस के, ठीक है। तो इस पर भी जो हमने 30 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए, 30 अभी कर लिए हमने, तो इसके बाद हम जो है बाकी पार्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे, यूटेट सेकंड पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप जो है अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे जो है आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो तब तक आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, और विभिन्न प्रकार के वीडियोज आप जो है नेट पे सर्च कीजिए, और कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करने से आपका आपको लिखने का की हैबिट बनेगी, और हमको भी इस चीज़ का पता चलता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो दोस्तों हम उस पर ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।